हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2। तो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 15.2 किस टॉपिक पे बेस है? टॉपिक है आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट मीन निकालना आपको आता ही है, सभी बच्चों को टेंथ में किया हुआ है, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया था। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसमें खाली हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन होती हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इस तरह की कोई सीरीज है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसमें हम इसे डिनोट करते हैं, हम इसे सिग्मा स्क्वायर से। तो निकालने के दो फॉर्मूले हैं आपके पास। एक फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार आपका मीन है, स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ओके, सेकंड मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के हैं। तो हम करते हैं दोनों फॉर्मूले से वन बाय वन करेंगे। जोन सा भी फॉर्मूला आपको सही लगे उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स गिवन है आपके पास 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 and 12। आपके पास x गिवन है, फाइंड द मीन एंड वेरियंस। ओके, निकालिए। अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गया कि वेरियंस आपने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिंपली जो वेरियंस होता है उसका स्क्वायर रूट होता है और इसे सिग्मा से आप डिनोट करते हैं। चलिए इनका टोटल कीजिए। कितना टोटल आया इसका, 72। सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स आया आपके पास 72, एन है आपके पास 72 बाई 8। कितना आया मीन, 9। अब आपको क्या करना है, x में से x बार माइनस करना है और साथ ही साथ उसका स्क्वायर भी करना है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, x माइनस x बार अलग निकाल लीजिए, स्क्वायर बाद में कर लीजिए, या दोनों काम एक साथ। तो करिए, x कितना है 6, 6 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7, 7 माइनस कितना होगा 9, 7 माइनस 9 2, 2 का स्क्वायर 4। इसमें जब स्क्वायर हो जाएगा तो जो माइनस वाली टर्म होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। 10, 10 में से मीन माइनस करेंगे 9, 10 माइनस 9 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस 9 3, 3 स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 9 माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 8 माइनस 9 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 12 माइनस 9 3, 3 का स्क्वायर 9। ऐड करें इसे, कितना आया 74। अब हमें निकालना है वेरिएंस, इसके इक्वल है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, वो वेरिएंस में लेना होता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन में लेना होता है। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका जो समेशन आया है कितना है 74 डिवाइड बाय 9, एन कितना है 8, 8 से डिवाइड कीजिए
वेरियंस आएगा 9.25। बाय चांस इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ लेता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा, वेरियंस का आपको क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट निकालना है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, वैसे बताया मैंने कि यदि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ ले, कई बार पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, इसका सिंपली स्क्वायर रूट पढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स गिवन है और उसका आपको मीन एंड वेरिएंस निकालना है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू कहां तक, एन तक। तो इनका आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, 1 + 2 + 3 अप टू एन डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनी है, एन है, 1 से लेके एन तक। तो 1 + 2 + n तक आपने फॉर्मूला याद किया होगा इसका, एपी सीरीज में क्या होता है, 1 से लेके एन तक का सम एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ओके, और ये एन, ये वाला एन है आपका, एन से एन कैंसल आउट, कितना हुआ, एन प्लस 1 बाय 2। ये तो आया आपका मीन, अब निकालना है आपको वेरिएंस। ओके, निकालिए वेरिएंस क्या रहेगा। वेरिएंस में मैंने सेकंड फॉर्मूला आपके पास क्या लिखवाया था, सिग्मा, चलो उस साइड लिखते हैं, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला था सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, सिग्मा एक्स स्क्वायर मींस जितनी भी टर्म्स है आपकी 1, 2, 3, 4 इन सबको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड करना है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, एन तक, डिवाइड बाय एन माइनस मीन कितना आया है आपके पास, मीन आया है आपके पास एन प्लस 1 बाय 2 सारे का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + n स्क्वायर इसका क्या सम होता है, n इंटू एन प्लस 1 × 2n + 1 / 6 और ये वाला m आपके पास ये है माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, n से n कैंसिल आउट। कोई चीज कॉमन है इसमें, देखिए n प्लस 1 दोनों के साथ है, आप लिख सकते हैं बाहर, डिवाइड बाय 6 और 4 क्या जाएगा, 6 और 4 में से कॉमन 2, यहां क्या बचेगा आपके पास 2n + 1 डिवाइड बाय 3, 6 में से 2 बाहर लिया आपने तो डिवाइड कीजिए 3 आएगा, n प्लस 1 बचेगा, यहां स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक बाहर आया है तो एक n प्लस 1 अंदर, यहां बचेगा आपके पास 2। एलसीएम लीजिए 4n + 2 - 3n - 3 n + 1 / 2 4n - 3n 2 - 3 - 1 डिवाइड बाय 6 n + 1 × n - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, n² - 1 2 × 6 = 12 तो वेरिएंस कितना है इसका, n² - 1 / 12। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसे एक बार। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिए, सिंपल है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, उनका मीन निकालना है। 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब जो x है आपको क्या दिया हुआ है, 3 का टेबल लिखना है, 3 टेन जा तक, मतलब 3 का पाड़ा लिखे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 कहां तक लिखना है आपको, 3 टेन जा 30 और इसका आपको मीन निकालना है और वेरियंस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन।
फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ये हैं आपके जिसके अंदर आपको एक्स गिवन है एंड एफ गिवन है. एक्स एंड एफ 6, 10, 14, 18, 24, 28 and 30. एफ गिवन आपका 2, 4, 7, 12, 8, 4 and 3. सॉरी जो सीरीज है मैंने पहले बताई थी वो थी इंडिविजुअल सीरीज, ये है आपकी डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज को निकालने भी ये भी कई मेथड है आपके, मैं सभी क्वेश्चंस पे एक एक करके करूंगा. एक मेथड है आपका वेरिएंस निकालने का जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा करेंगे. आपने देखिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, आप इसे सिंपली क्या कर दीजिए एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वेरिएंस आ जाएगा. दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हैं वेरिएंस निकालने के लिए, चलो एक बाय एक एक करके बताएंगे. पहले इस फॉर्मूले को देखिए अप्लाई कीजिए. आपको क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है. मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ ओवर एक्स की मल्टीप्लाई 6 × 2, 12 ऐड करें, एफ का ऐड 6 × 2, 12 × 8 और सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं. सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, आपके पास आया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 760. तो इसमें मीन कितना रहेगा आपका, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय एन 760 / 40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पे जाएगा निश्चित क्षेत्र 19. तो आपके पास मीन कितना है 19. अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एक्स में से एक्स बार माइनस करना है और इसका लेना है आपको स्क्वायर. एक्स कितना है 6, 6 में से 19 माइनस कीजिए 13, 13 का स्क्वायर होगा 169. अब कितना 10, 10 में से 19 माइनस 9, 9 का स्क्वायर 81, 25, 1, 24 माइनस 19, 5, 25, ये होगा आपका 81, 30 - 19 = 11, 120. इसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ की मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार के साथ करिए मल्टीप्लाई. एक्स माइनस एक्स बार की मल्टीप्लाई किसके साथ, एफ के साथ. इसका सम कितना आएगा, मैंने लिखा हुआ है इसका सम निकाल के 1763. आप कर सकते हैं इसको ऐड, कितना सम आने वाला है आपका 1763. अब निकालिए वेरिएंस कितना है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार 1763 डिवाइड बाय एन, एन कितना आएगा आपका, एन है 40, 40 से डिवाइड कीजिए
44.75. कितना है इसमें आंसर, 15.2. क्वेश्चन नंबर है ये फोर्थ क्वेश्चन, 43.4. 8, 4, 12, 5, 17, 2, 19, 4, 23, 17, 17. गलत आ रहा है, कैसे? 4, 16, 1, 4, 16. दोबारा मल्टीप्लाई देखिए एक बार, 2 से किया हमने 6 माइनस 19 13, 13 का स्क्वायर 169, 81, 25, 1, सत्रह सौ छत्तीस। अब करिए इसे डिवाइड, 43.4. इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप ऐसे ही इसी फॉर्मूले से एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूं, शॉर्टकट मेथड से। एक्स एंड एक्स गिवन है 60, 61, 8 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 68। एफ की वन है 2, 12, 20, ये वैल्यूज गिवन है आपके पास। आप इसे चाहें तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया वैसे आप इसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको मीन निकालना, ओके। तो हम क्या करते हैं, यदि आप मीन नहीं निकालना चाहते तो आप इसमें से एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। हमने पहले भी क्या हुआ मीन निकालते हुए, आप सेंटर में से कोई वैल्यू लीजिए उसे आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। अब निकालते हैं हम डी। डी क्या होगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है आपका 64, डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 60, 61, 62, 1 का है तो ये 1 ही रहेगा। तो माइनस कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ जीरो एज्यूम्ड मीन मानते हैं और ये इक्वल इंटरवल हो तो उसके सामने क्या लिखते हैं आप, जीरो करके देखिए। 64 माइनस 64 कितना हो जाएगा, जीरो। 63 माइनस 64 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ओके। नीचे इंक्रीज हो रही है, 65 माइनस 64 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको क्या निकालना है, एफ की मल्टीप्लाई डी से करनी है और एफ की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से। चलिए एफ डी निकालिए, एफ की मल्टीप्लाई डी से, माइनस 4 × 2 − 8 − 3 − 24 − 29 0 12। यह एफ की मल्टीप्लाई डी से की है।
अब हमें निकालना है एफ डी स्क्वायर, तो क्या करते हैं डी स्क्वायर निकालने के बजाय एफ डी की मल्टीप्लाई दोबारा डी से करते हैं। देखिए एफ तो है ही आपके पास, डी की मल्टीप्लाई डी से होगी क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, तो एफ डी की मल्टीप्लाई डी से कीजिए आप 32। कुछ बच्चे क्या करते हैं डी स्क्वायर अलग से निकालते हैं फिर उसके बाद एफ की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है डी स्क्वायर अलग से निकालने की, सिंपली एफ डी की मल्टीप्लाई डी से कर दीजिए तो आपके पास एफ डी स्क्वायर आ जाएगा 9 48 29 0 12। ऐड करें इसे 64, इसका तो आ रहा है 64 आएगा 9 4 38 16 24। ये भी आपका कितना आया है 64, ये माइनस 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका जीरो आ जाएगा, इसे ऐड करें 286। अब फॉर्मूला क्या है वेरिएंस निकालने का, देखिए पहले तो मीन निकालते हैं, मीन निकाल सकते हैं आप, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन इंटू में क्लास इंटरवल, ए कितना एज्यूम्ड मीन कितना लिया था आपने 64, आप जिस मर्जी को ले सकते हैं एज्यूम्ड मीन 62 ले सकते हैं 66 ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं जो आपकी सेंटर की वैल्यू है वो लेते हैं, इससे क्या रहता है आपका सीक्वेंस भी बन जाती है वैल्यूज। ए आपका 64 है, सिग्मा एफ डी कितना है समेशन ऑफ एफ डी जीरो डिवाइड बाय एन, एन का सम कितना है आपका 100, एन इज 100 और एच इसमें वन ही था तो 64 ये तो आपका जीरो हो गया, तो आंसर कितना आया 64। वेरिएंस निकालना है, इसमें वेरिएंस पूछा हुआ है क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ इसने पूछा हुआ है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। चलो पहले मैं वेरिएंस निकालना बता रहा हूं आपको, वेरिएंस क्या होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एक्सक्यूज मी सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी और उसका होल स्क्वायर, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, एच कितना है एच तो आपका 1 था क्लास इंटरवल, एन कितना है एन है आपका 100 तो 100 का हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी एन आएगा, एन की वैल्यू 100, एफ डी स्क्वायर 286, सिग्मा एफ डी कितना है जीरो, ये तो जीरो हो गया 100 से 100 कैंसल आउट 286 बाय 100, वेरिएंस आया आपका 2.86। ओके अब इसने पूछा हुआ है आपसे फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मीन्स तो क्या होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस है आपका 2.86, इसका स्क्वायर रूट ये निकल के आएगा 1.69, आप कैलकुलेट कीजिए ये आएगा। ओके मैंने लिखा हुआ है पहले करके इसे तो कितना आंसर आया 1.69, देखिए इसे
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ये सभी क्वेश्चन क्लास इंटरवल से हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो मेथड हमने अब किया शॉर्टकट मेथड, हम अधिकतर क्वेश्चंस इसी मेथड से करते हैं। क्यों करते हैं कि कई बार आपका मीन पॉइंट में आ जाए तो आपको x माइनस एक्स बार निकालना है। तो जो मान लीजिए आपका आ गया 2.35, तो आपको वैल्यू क्या करना है, 2.35 माइनस करना पड़ेगा जितना भी एक्स गिवन है, और सारी वैल्यूज आपकी पॉइंट में आएंगी। तो उससे बचने के लिए हम एज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज करते हैं और इजी भी है करना। मैं 10th क्वेश्चन कर रहा हूं इसका, 7th, 8th, 9th, 10th, चारों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। आपको क्लास इंटरवल है, देखिए क्लास इंटरवल इसमें क्या गिवन है, 32-36 गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था। यहां पे आपका इंटरवल ब्रेक हो रहा है, 33-36 है, लेकिन 6 के बाद अगली जो हमारी क्लास है उसमें 37 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां 36 से लेके 37 की वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, हमें इन्हें इंक्लूसिव बनाना है। कैसे करेंगे बताया था आपको, 36 और 37 का डिफरेंस लीजिए कितना होगा, 1 को आप कीजिए कितना आएगा, 0.5। तो 0.5 हर क्लास में जो लोअर लिमिट है उसमें से आपको माइनस करना है, 33 में से माइनस करना है और 36 में ऐड करना है। इसमें हो जाएगा 40.5 to 44.5। कहां तक है आपका, 44.5 से लेके 48.5 से लेके 52.5। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका x मिड वैल्यूज दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 34.5। ये आएगा 38.5, 42.5, 46.5 एंड 50.5। मिड वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर लो, 36 एंड 32 68, 68.5, 69 का हाफ कितना होता है 34.5, 34.5 एफ दे रखा है, सभी का डिफरेंस ऐसे निकालना है आपको। एफ गिवन है आपके पास 15, 17, 21, ओके 22, 25, ये वैल्यूज हैं आपके पास। इसमें से आप किसी को भी एज्यूम्ड मीन ले लीजिए, लेट 5 वैल्यूज है, मैं थर्ड वैल्यू को ले रहा हूं। तो डी कितना होगा आपका, एक्स माइनस ए डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, क्लास और इंटरवल कितना है 34.5 to 38.5, 4 का डिफरेंस है। तो 42.5 माइनस 42.5 ये 0 आएगा, ऊपर -1, -2, नीचे 1, 2। ये सीक्वेंस तभी बनता है यदि क्लास इंटरवल इक्वल हो, अदरवाइज ये -1, -2, 1, 2 वैल्यूज नहीं आएंगी आपकी, चेंज होंगी। वो क्या होंगी वो आपको डिवाइड करके पता चलेगा, ओके। अब क्या निकालना है आपको, एफ की मल्टीप्लाई डी से करनी है, एफ डी, और एफ की एफ डी की मल्टीप्लाई फिर डी से करेंगे, क्या आएगा एफ डी स्क्वायर। करिए मल्टीप्लाई, -30, -17, 20, 22 and 50, 13 into 2, 60, 17 ऐड करें, ये है 72, 47 माइनस के आपका 25, यहां कितना होगा 7, 9, 199, देखिए
सही आई हुई वैल्यूज आपकी 15, 17, 21, 22 एंड 25, पूछा 30, 17, 0, 21, 22. ये आपके पास वैल्यू सारी गिवन है, एन होगा आपका फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए, एन इज इक्वल टू 100. मीन निकालना है, मीन होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई में एच. ए कितना है जुम्मन मीन 42.5, सिग्मा एफ डी 25 डिवाइड बाय एन, एन कितना होगा 100 मल्टीप्लाई एच, एच है 4, 4 4 से 4 1 कितना है 42.5 प्लस 1 43.5. ये आपका आया है मीन. अब निकालना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, निकालिए. चलो मैं इसे यहां से साफ कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए इसे. स्टैंडर्ड डेविएशन एच बाय एन सिग्मा एन एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर. देखिए जो वेरिएंस लिया था हमने, क्या लिया था, एच स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एच स्क्वायर का एच बचेगा, एन स्क्वायर का एन, और बाकी सारी टर्म का स्क्वायर रूट हो जाएगा. एन एच कितना है आपका 4, एन कितना है आपका 100, दिस इज 100, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 199, एफ डी कितना है 25 होल स्क्वायर, माइनस 625 ये कितना होगा 138.83, और इसे कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 100 5.55. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया इसका आपका 5.55. तो क्वेश्चन नंबर जो हमने इसमें छोड़ दिए हैं, 7th, 8th, 9th, वो भी सेम होंगे जैसे हमने 10th क्वेश्चन किया. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू.